दूरदर्शन न्यूज। बालिकाओं को दी गई कृमि नियंत्रण की दवाई, मनाया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाकर बालिकाओं को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई गई। कार्यक्रम प्रभारी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक सुश्री हेमलता रावल ने बताया कि 17 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार के आदेश के अनुपालन में सभी बालिकाओं को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए गोलियां खिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक गोपाल सिंह राव ने पेट में कृमि होने से जो नुकसान होता है वह समझाया तथा गोली खाने से सेहतमंद होने के लाभ भी बताए। सभी बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए 1 वर्ष से 19 साल के सभी बच्चों को सरकारी संस्थाओं में स्कूल, मदरसे, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र तथा तकनीक संस्थाओं में आज गोलियां निःशुल्क खिलाई जा रही है। आंगनबाड़ी में पंजीकृत व गैर पंजीकृत एवं स्कूल न जाने वाले बच्चों को भी यह दवाई खिलाई जा रही है। आज के दिन जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें कल 18 अक्टूबर 2022 को दवाइयां जरूर खिलाई जाएंगी। इसी दवाई से कुपोषण एवं खून की कमी को भी रोका जा सकता है, थकावट की समस्या से छुटकारा मिलता है। संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ रही है तो इसको रोकने में यह गोली सहायक है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य श्रीमती हीरा खत्री, अनिता चौहान इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। राजस्थान से रंजित जिनेगर की रिपोर्ट।